सत श्री अकाल, यू आर वॉचिंग लॉकडाउन एंटरटेनमेंट एंड वेलकम बैक टू टॉप 10 लिस्ट ऑफ अपकमिंग वेब सीरीज एंड मूवीज की लिस्ट ऑफ मई एंड जून के पार्ट 3 में कुछ बढ़िया सीरीज एंड कुछ वेब मूवीज रिलीज होने वाली हैं जिनके बारे में जानते हैं इस लिस्ट में। और अगर आप लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो हिट द लाइक एंड शेयर करना मत भूलना इस वीडियो को। और कोई भी वेब सीरीज या मूवी मिल नहीं रही है ऑनलाइन तो इंस्टाग्राम पे मैसेज करना lockdown.entertainment33 पे DM करना, जो यहाँ पे ऊपर स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रहा है। जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इस लिस्ट की ओर, जिसमें नंबर 10 पे है हिंदी रोमांटिक ड्रामा वेब सीरीज पंच पीट का सीजन 2, जो कि मेरे नाम पसंदीदा आल्ट बालाजी पे 27 जून को रिलीज होने वाली है, जिसमें कॉलेज लाइफ वाला रोमांस, गुस्सा और थोड़ी दोस्ती दुश्मनी देखने को मिलेगी। वैसे मेरी वॉचिंग लिस्ट से तो ये सीरीज बाहर है, क्योंकि मैं ठहरा थोड़ा मैच्योर सीरियस थ्रिलर ड्रामा और एक्शन का फैन, जिसमें कुछ सीखने को मिलता है उसका। और इसके बिल्कुल उलट एकता कपूर को पसंद है एक दो चुम्मा चाटी वाले सीन्स के साथ रोने धोने या इमोशनल अत्याचार करने वाली सीरीज पसंद, तो इसे इस लिस्ट में उन कुछ लड़कों और बहुत सी लड़कियों के लिए शामिल किया है जो मेरे ख्याल से शायद ही मेरे वीडियोस को देखती हैं, बिकॉज 90% लड़के ही हमारी वीडियोस को देख रहे हैं। चलो छोड़ो, तो कहानी के नाम पे बताने के लिए तो कुछ भी नहीं है इस सीरीज में, बस डेली सोप वाला ड्रामा है जो टीवी पे डेली देखने को मिल जाता है। नंबर 9 पे है नेटफ्लिक्स की जैपनीज हिट सीरीज का सीजन 2, जिसका नाम है द नेकेड डायरेक्टर, जो 24 जून को नेटफ्लिक्स पे रिलीज होने जा रही है 18 प्लस ड्रामा सीरीज है, जिसे आपको ज़रूर देखना चाहिए अगर आप 18 प्लस हो और इंग्लिश में थोड़ा अच्छे हो। कमाल की सीरीज़ है। जी हाँ, वैसे जिसने भी इस सीरीज़ के बारे में नहीं सुना है तो इसका सीज़न 1 नेटफ्लिक्स पे इंग्लिश में अवेलेबल है और जिसे सबटाइटल्स के साथ देख सकते हैं। अगर सीज़न 1 आपने नहीं देखा है तो अभी इसे शुरू कर लो। जब तक आप सीज़न 1 इसका ख़त्म करोगे तब तक सीज़न 2 भी रिलीज होने वाला होगा, जिसमें फिल्म लाइन से जुड़ी कुछ अनदेखी और अनसुनी करप्शन को दिखाया गया है, जिसमें कैसे किसी डायरेक्टर से लेकर प्रोड्यूसर तक को पैसा लगाने के साथ साथ अपने दिन रात की नींद और चैन भी लगाना पड़ता है, और फिर भी उसे वो कामयाबी हासिल करने में कितनी और भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, यही इस सीरीज़ में दिखाने की कोशिश की गई है। वन ऑफ द बेस्ट वेब सीरीज़ है, आपको ज़रूर देखनी चाहिए। नंबर 8 पे है हिंदी डॉक्यूमेंट्री वेब सीरीज़ भुज, जो 11 जून को डिस्कवरी प्लस पे रिलीज होने वाली है। मेरे जैसे आपको भी लगा होगा कि ये अजय देवगन वाली भुज मूवी है जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन उस मूवी की अभी कोई अपडेट नहीं है। लेकिन अभिषेक बच्चन की बिग बुल के जैसे स्कैम 1992 पहले रिलीज करके सब दर्शकों का मन मोह लिया था, वैसे तो नहीं, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ काफ़ी हद तक भुज वाली सारी कहानी को असल फुटेज के साथ दिखाने वाली है, और जो चीज़ असली होती है वो बॉलीवुड में कहाँ देखने को मिलती है। तो मेरी रिकमेंडेशन तो यही है कि भुज मूवी चाहे देखो या ना देखो, लेकिन इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ को एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए। वैसे अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये सीरीज़ कितना इम्पैक्ट डालेगी, लेकिन एक बार ट्राई करना तो बनता है। नंबर 7 पे है इंग्लिश मूवी हिटमैन्स वाइफ्स बॉडीगार्ड। यस, अगर आपने हिटमैन्स बॉडीगार्ड हॉलीवुड मूवी देखी है, जो एक्शन कॉमेडी मूवी थी और जो हिंदी डब में भी ऑनलाइन अवेलेबल है, ये उस मूवी का पार्ट 2 है, जो वैसे तो 16 जून को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है, लेकिन कुछ हफ्ते बाद OTT पे भी रिलीज हो जाएगी, जिसके लिए ज़्यादा वेट तो नहीं करना पड़ेगा। जिसकी कहानी पार्ट 1 को ही कंटिन्यू करने वाली है, लेकिन इस बार हिटमैन की वाइफ को बचाने की जिम्मेदारी है उस बॉडीगार्ड के कंधों पर, लेकिन उसके साथ पंगे करने वाला वो हिटमैन भी उनके साथ ही रहने वाला है। तो फुल धांसू एक्शन के साथ साथ कॉमेडी भी फुल टू देखने वाली है इस मूवी में, जिसका इंतज़ार मैं तो बड़ी बेसब्री से कर रहा हूँ। अभी ये मूवी हिंदी डब में रिलीज की जाएगी, ऐसा कुछ पक्का कहा नहीं जा सकता, लेकिन 90% चांसेस है कि हिंदी डब में भी रिलीज की जाएगी इसके पार्ट 1 के जैसे ही। नंबर 6 पे है हिंदी डब वेब सीरीज़ एक्स लाइफ, जो 25 जून को नेटफ्लिक्स पे रिलीज होने वाली ड्रामा सीरीज़ है, लेकिन इंडियन ड्रामा के जैसे तो बिल्कुल भी नहीं है। ये हॉलीवुड ड्रामा है जिसमें ड्रामा में भी थ्रिलिंग वाली फीलिंग आती है, जिसकी कहानी शुरू होती है एक हैप्पी फैमिली से, लेकिन सब खुशियाँ होने के बावजूद भी पत्नी खुश फील नहीं कर पाती है, और उसकी वजह भी उसे मालूम नहीं पड़ती है, जब तक उसे अपनी पास्ट वाली आज़ादी से भरी ज़िंदगी याद नहीं आती। और उस ज़िंदगी में था उसका एक बॉयफ्रेंड, जिसके साथ वो हस्ती खेलती मस्ती में दिन काट रही थी, लेकिन शादी के बाद सब कुछ होने के बाद भी वो आज़ादी कहीं ना कहीं खो जाती है, और फिर उसका पास्ट उसके सामने खड़ा हो जाता है प्रेजेंट में, और अब वो दोहरी ज़िंदगी जीने लगती है। कैसे, वो आप ये सीरीज़ में खुद ही देखिए। नंबर 5 पे है धूप की दीवार,
पाकिस्तानी ड्रामा वेब सीरीज है जो 27 जून को Z5 पर रिलीज होने वाली है। वैसे तो पंचपीट के जैसे ये भी मेरी नापसंद वाली लिस्ट की सीरीज है, लेकिन जून में रिलीज होने वाली है तो लिस्ट में बताना तो बनता ही है। जिसकी कहानी वही टिपिकल बॉलीवुड टाइप लव स्टोरी होने वाली है, जिसमें एक लड़का है एक लड़की है, दोनों मिलते हैं, प्यार हो जाता है, शुरू में कॉमेडी और फिर रोमांस और फिर ब्रेकअप्स और फिर हैप्पी एंडिंग। वैसे सीरीज में हैप्पी एंडिंग तो होना एक तरह से नामुमकिन है, क्योंकि सीरीज का कभी एंड नहीं होता है और असली ज़िंदगी के जैसे ही सीरीज को भी आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ अधूरे रिश्ते छोड़ दिए जाते हैं जो इसके नेक्स्ट सीजन में जोड़े जाने वाले हैं। बट ड्रामा वही घिसा पिटा होने वाला है इस सीरीज का, जो टाइम पास ही होने वाली है। नंबर 4 पे है हिंदी डब साउथ इंडियन वेब मूवी जो 18 जून को नेटफ्लिक्स पे रिलीज होने वाली है, जिगामे ठंडीराम। ठंडीराम, वैसे सॉरी मुझे प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन तो नहीं पता इसकी, लेकिन हिंदी में बोले तो THANDI ठंडी, RAM राम, तो ठंडीराम ही बनता है। चलो ठंडीराम हो या थंडीराम, किसी गोरे बंदे ने कहा है कि नाम में क्या रखा है। मूवी और कहानी तो वही रहने वाली है। ये एक एक्शन भरपूर वेब मूवी है जिसमें कहानी है एक तमिल गैंगस्टर की जो लंदन में माइग्रेट हो जाता है, लेकिन वहाँ पे भी वो गैंगस्टर ही बन के रहता है और लंदन के गैंगस्टर से पंगे लेता है, या फिर लंदन उसे बदल देगा और तमिल का गैंगस्टर लंदन का एक हीरो बन जाएगा। जो भी हो, एक्शन और डायलॉग्स हमें बहुत एंटरटेन करने वाले हैं 2 घंटे के लिए। और सबसे बड़ी बात है हिंदी डब में रिलीज हो रही है, जिसका हिंदी ट्रेलर अभी 5 जून को ही यूट्यूब पर अपलोड किया गया है, जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी, बट नेटफ्लिक्स है तो हिंदी डब पॉसिबल है। नंबर 3 पे है हिंदी डब वेब सीरीज लॉकी जो हॉटस्टार पे रिलीज हो चुकी है 9 जून को, और हिंदी डब में रिलीज हुई है जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में अंदाज़ा लगाया था। और मार्वल्स की ये सीरीज एक साथ ना रिलीज होके हर हफ्ते एक एक एपिसोड रिलीज किया जाएगा, बिल्कुल टीवी की तरह, या कह लें कि मार्वल्स की सारी सीरीज ही ऐसे रिलीज की जाती हैं। वैसे इसका कारण भी है, लोग लंबे समय तक सीरीज से जुड़े रहते हैं, नहीं तो सब एक दिन में सीरीज ख़त्म करके और सीरीज की ओर बढ़ जाते हैं। इस सीरीज की कहानी और नाम को तो किसी इंट्रो की ज़रूरत नहीं है, तो बस देखिए इसका फर्स्ट एपिसोड जो ऑलरेडी ऑनलाइन अपलोड हो चुका है, और हर हफ्ते इंतज़ार करिए इसके नेक्स्ट एपिसोड का। नंबर 2 पे है इंग्लिश वेब सीरीज पैनिक जो सस्पेंस मिस्ट्री ड्रामा सीरीज है, अमेजोन पे 28 मई को रिलीज हो चुकी है, और अनफॉर्चुनेटली ये हिंदी में डब नहीं की गई, लेकिन कहानी काफ़ी हद तक बढ़िया है, लेकिन थोड़ी स्लो चलती है, जिसकी कहानी बेस्ड है एक रियल लाइफ डेडली गेम शो की, जिसे हर साल कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए गैरकानूनी तौर से ऑर्गेनाइज किया जाता है और जिसे जीतने वाले को बड़ी प्राइस मनी भी मिलती है, और इसी गेम को खेलते हुए 2 स्टूडेंट्स की जान भी चली गई थी। तो इस साल क्या होने वाला है, इसके हर एपिसोड में कुछ ड्रामा के साथ गेम का एक लेवल दिखाया जाता है, जिसे पार करते हुए सब प्लेयर्स पॉइंट बेस पे लीड करते हुए नेक्स्ट लेवल की ओर बढ़ जाते हैं। तो इसका एंड क्या होता है वो तो आपको ही देखना पड़ेगा। कहानी थोड़ी स्लो होने के कारण एवरेज सीरीज है। नंबर 1 पे है 9 जून को हंगामा पे रिलीज हो चुकी एवरेज क्राइम ड्रामा एक्शन थ्रिलर वेब मूवी जो ट्रेलर में देखने से काफ़ी ओल्ड टाइप लग रही है, और स्टार कास्ट भी एवरेज ही है, मतलब टाइम पास के लिए इस मूवी को देख सकते हैं। मैंने अभी नहीं देखी, लेकिन ट्रेलर से लग रहा है कि एक फिल्म की कहानी में बहुत कुछ दिखाने की कोशिश की गई है, जिसमें पॉलिटिक्स, गैंगस्टर्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग्स और रेप्स, मतलब 2 घंटे की कहानी में 5-6 घंटे की कहानी को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। बाकी आप देखिए और कमेंट्स में बताना देखने लायक है ये मूवी या नहीं, ताकि बाकी लोगों का इम्पोर्टेंट समय बच सके। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लॉकडाउन एंटरटेनमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और लॉकडाउन में बाहर निकल के पुलिस वालों के डंडे मत खाना पिछले साल की तरह। जितना हो सके घर में रहें, सेफ रहें, अपने और अपनों का ख्याल रखें।